हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी एंड यू आर वाचिंग टेके किसी ब्रॉस चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हम अपने इस चैनल पर लिनोवो K8 प्लस की सिर्फ स्पेशल वीडियोस डाल रहे हैं। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ भी कहना हो और आपको कोई भी सजेशन देना हो, आपको कोई भी अगर कमेंट करना हो, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम उस कमेंट का जवाब आपको जरूर देंगे। तो गाइस, आज की वीडियो आपको हम बताने वाले हैं हिडन टिप्स और ट्रिक्स डेवलपर मोड में। जी हाँ, आपको लेनोवो K8 प्लस में देख सकते हैं, आप लोग का ये लेनोवो K8 प्लस हुआ तो आपको इस लेनोवो K8 प्लस में क्या क्या डेवलपर मोड में हिडन फीचर्स मिलते हैं। तो इसके लिए आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा जरूर आपको आज का वीडियो सेशन कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ लाइक से जरूर कर देना। सो गाइड्स, दे स्टार्ट अवर टू दिस वीडियो। वो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा लेनोवो K8 प्लस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको अपने फोन के सिस्टम में जाना है और सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर दिखता है, इसको क्लिक करेंगे। अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आप इसको 2 से 3 बार टैप करने पे आप डेवलपर बन जाएंगे, जिससे आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा या आपको सेटिंग अबाउट फोन में मिलता है। तो चलिए बैक चलते हैं, देख सकते हैं अबाउट फोन का सेटिंग था। तो आपको यहाँ पे अगर बैक करेंगे तो आपको सिस्टम में सेटिंग दिखेगा डेवलपर ऑप्शन। ये डेवलपर ऑप्शन बहुत ही बड़ा सेटिंग है और बहुत ही सारे हिडन फीचर्स आपको इस सेटिंग में देखने को मिलते हैं। तो हमने इस डेवलपर ऑप्शन में चलिए एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद आपको सबसे पहला सेटिंग जो इसमें मिलता है वो देखते हैं मेमोरी। तो आप इससे अपना फोन की मेमोरी चेक कर सकते हैं, आपका रैम कितना भी यूज हो रहा है और कितना रैम फ्री है। तो देख सकते हैं जैसे कि हमारा 3 GB का जो रैम ये फोन है वो 3 GB फोन में मुश्किल से 1 GB फ्री है। और आप इसमें 3 आवर का देख सकते हैं ये रैम स्टेटस, और अगर आप चाहे तो इसे 1 दिन का भी देख सकते हैं। अब बात करें मेमोरी कौन कौन से ऐप्स यूज कर रहे हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो 77 ऐप्स है ये आपकी मेमोरी को खा रहे हैं। आप इस सारे को स्टॉप करेंगे तो आपको बैटरी बैकअप आपकी लेनोवो K8 प्लस की बढ़ जाएगी। तो ये था आपका मेमोरी स्टेटस। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड पासवर्ड के बारे में। आप चाहे तो इसमें कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जिससे आपका कोई भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाएगा और बैकअप ले सकते हैं। बात करते हैं स्टे अवेक की, आप मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप फोन चार्ज में लगाते हैं तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको फोन कभी भी स्लिप नहीं होगा, वो फोन हमेशा ऑन रहेगा। बात कर सकते हैं ब्लूटूथ SCI, तो ये तो अलग ही, इसको तो छोड़ दीजिए आप। बात करते हैं रनिंग सर्विसेज में, आप इस रनिंग सर्विसेज से वो जो भी सारे ऐप्स आपके रनिंग में चल रहा है आप ऐप्स यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप्स आपकी रनिंग में चल रही है। वो सारे आप अननेसेसरी ऐप्स को यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको इतना रैम भी रैम फ्री है। यहाँ पे इसको कैच प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डिवाइस मेमोरी दिखेगा, जिससे आप किसी भी कोई भी अननेसेसरी ऐप को क्लोज कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे पिक्चर कलर मोड, यहाँ पे यूज किया गया है sRGB, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं या फिर उसको यही रहने दे सकते हैं। अब बात करते हैं वेब इम्प्लीमेंटेशन में, देख सकते हैं वेब चलाने के लिए आपको क्रोम सपोर्टेड है। अब देख सकते हैं सिस्टम, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम अपडेट आपका अपने आप इंस्टॉल हो जाए तो आपको बस ये ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट की सेटिंग ऑन कर देनी है, जिससे आपकी कोई भी लेनोवो K8 प्लस में सेटिंग आएगी तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। और देख सकते हैं सिस्टम UI की डेमो मोड है, ये देख सकते हैं क्विक सेटिंग है ये डेवलपर के लिए। 16 लेयर बॉन्ड्स आपको यहाँ पे दिखता है। आप देखते हैं GPU, अगर आपकी गेम स्लो चल रही है तो आप इस GPU को ऑन कर देंगे जिससे आपकी गेमिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। आप ये देख सकते हैं एनिमेशन है, एनिमेशन को आप फास्ट करेंगे तो आपकी कोई भी डेट इज ऐप से वो लैग नहीं लेगी, बहुत फास्ट वर्क करेगी, बहुत जल्दी खुल जाएगी। आप ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलती है डीबगिंग में USB डीबगिंग की सेटिंग। ये डीबगिंग मोड आप यूज करके कोई भी USB से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें डीबगिंग में, आपको डीबगिंग में मिलती है USB सेटिंग। आप इस USB सेटिंग से आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग मिलती है रिवोक USB, दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोन की डेटा दैट इज प्रोटेक्ट रहे, कोई भी यूज नहीं कर सके, तो आप रिवोक करेंगे तो आपकी जो भी सारी कहीं भी फोन आपका कनेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं बग रिपोर्ट आप कर सकते हैं इससे।
अभी बात करें तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक एंटीवायरस मिलता है जो कि सारे ऐप को वेरीफाई करता है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको बताया गया, आप देख सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेशन मिलता है। देखते हैं मोबाइल डेटा ऑलवेज अब एक्टिव, यहाँ से इस सेटिंग से आपको मोबाइल डेटा हमेशा ऑन रहेगा, कोई भी लोग मोबाइल डेटा को बंद नहीं कर सकता, बस आपको मोबाइल सेटिंग ऑन कर देना है। देख सकते हैं यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, आप एमटीपी यूज करते हैं एमटीपी यूज कर सकते हैं, या चार्जिंग कर सकते हैं, या पीटीपी, या आपको ये सारे बहुत सारे सेटिंग इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की, तो ब्लूटूथ वर्जन आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला मिलता है ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक की। देख सकते हैं इनपुट करने बात करें तो आपको टैप्स अगर चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं टैप करूंगा तो मुझे यहाँ पे ध्यान कर रहे होंगे नोटिस स्क्रीन पे तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, तो उसको आप देख सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। बात करते हैं ड्राइंग के बारे में, तो आप ये इसको ऑन कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपकी जो भी गेम बहुत अच्छी चलेगी। देख सकते हैं ये उल्टा आपको स्क्रीन जस्ट उल्टा दिखाया था अभी, तो ये आपका इस आरटीएल सेटिंग की वजह से हुआ था। और विंडोज एनिमेशन है, टाइप में से अगर कोई भी चीज आपको फास्ट खोल ली हो तो मैं कहूंगा आप इसको 5x पे रखें, इससे क्या होगा कोई भी गेम या कोई भी ऐप को रन करने में आपको बिल्कुल भी टाइम वो नहीं लेगा और बैटरी भी बचेगी। और देख सकते हैं अगर आपको 2D कोई भी गेम ठीक से नहीं चलता हो तो आपको इस 4GPU को फास्ट कर देना होगा। आप अगर 4GPU को इसको ऑन कर देंगे तो आप कोई भी 2D गेम्स अच्छे से खेल सकते हैं। और देखते हैं अगर GPU आपको अपडेट देखना हो तो इसको ऑन कर सकते हैं, अगर हार्डवेयर लेयर देखना हो तो इसको ऑन कर सकते हैं, बट ये सबको लेकिन ऑन नहीं करें। और देख सकते हैं आपको GPU कलर दिख रहा है, डिजेबल USB कर सकते हैं, देख रहे हैं मॉनिटरिंग मोड आपको मिलता है, और आपको एक ऑप्शन दिखता है इसमें एप्स का, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी एप्स की डिटेल अगर नहीं रहे डेट इज रनिंग में तो इसको आप ऑफ कर देंगे, लेकिन इससे क्या होगा आपके कोई भी एप्स आपका रनिंग में नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ऑन नहीं करें तो बेटर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस आप लिमिट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड में चाहते हैं कि एक ही आप रखें दो ही आप रखें तो जैसा आप देख सकते हैं वैसा सेटिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चैनल वार्निंग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इनएक्टिव एप्स मिल जाता है, इस एप्स की मदद से आप अगर कोई भी एप्स बांध दीजिए, कुछ एप्स बहुत दिन से यूज नहीं किए हैं उस एप्स को आप यहाँ से आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐप हम यूज कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग हमें रेनबो गेट पर से मिलता है, फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज। आप इसमें अगर इसको ऑन कर देंगे तो आपके जितने भी एप्स हैं सारे एप्स ऑटोमेटिकली एसडी कार्ड में सेव होगा, एसडी कार्ड में डाउनलोड होगा। मैंने ये सेटिंग अभी तक चेक नहीं की है, तो अगर आप में से कोई अगर किन्होंने कोई भी अगर ये सेटिंग चेक की है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो ये था हमारा बहुत सारा सेटिंग। और गाइस एक और बात बता दूं, अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है आप ये सेटिंग में कुछ चेंजेस करने के लिए तो आप बस यहां से जाके इसको ऑफ कर दें और आपका ये फोन नॉर्मल हो जाएगा, डेलो परसेंट ऑफ हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपको बताइएगा आज के स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा। ये स्पेशल वीडियो था आपका लेनोवो K8 प्लस पे, तो आज के इस सेशन में आपके इस वीडियो में हम अपने चैनल पे बहुत सारे लेनोवो K8 प्लस की धमाकेदार बहुत अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल से बने रहना। और आज के वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ लाइक जरूर करना। सो गाइस चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। Hi, I am Abhinav Chaudhary and I am Abhinav Chaudhary. We are Techie AKC Bros. I hope you liked our today video. So subscribe our YouTube channel right now and turn on the notifications so you won't miss any single video. And we will meet you in our another video. So thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.